जय जगन्नाथ। नमस्ते दोस्तों, मैं अरुण कुमार, मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत करता हूँ। आज बात करने वाले हैं उड़ीसा के एक महान कवि जिनका नाम विश्व इतिहास में लिखा गया है। उड़ीसा में वो एक ऐसा साहित्यकार है जिन्होंने अपना अगम्य अवदान उड़ीसा साहित्य में छोड़ कर गए। जिन्होंने सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई किया, लेकिन उड़ीसा में उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी चल रहा है, जीएम यूनिवर्सिटी। आप लोगों को पता है उड़ीसा के संबलपुर में, आप लोग जानते हैं। बचपन में उन्होंने कविताएं लिखने का बहुत इच्छुक थे, वो गए और नहीं, स्वभाव कवि गंगाधर मेहर, ही इज ए लीजेंड ऑफ पोएम राइटर। 1862 9 अगस्त, वेस्ट उड़ीसा बरपाल गांव बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में वो महान आत्मा जन्म लिए थे। उनका पिताजी का नाम चैतन्य मेहर और माता सेवती देवी। वो एक बुनाकार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उनको ऐसा कुछ सुख सुविधा नहीं मिला, क्योंकि उनका फैमिली आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं था। लेकिन गंगाधर मेहर बचपन में कविता लिखने के बहुत इच्छुक थे। वो जब स्कूल में पढ़ाई करते थे, उस वक्त बहुत सारे कविता लिख दिए थे। बचपन में वो कवि सम्राट उपेंद्र भंज और फकीर मोहन सेनापति उनके आदर्श पर चलना शुरू किए। वो एक ऐसा कवि हैं, वो सिर्फ प्रकृति के बारे में कविता लिखने पसंद करते हैं। आगे चल के वो सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई कर पाए, क्योंकि उनका फैमिली में आर्थिक अवस्था इतना अच्छा नहीं था, इसलिए वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाए। फिर भी वो कविता लिखना जारी रखे और बहुत सारी किताबें लिख दिए। सिर्फ 2 साल की उम्र में उनका शादी हो गया और आगे चल के वो एक सरकारी नौकरी भी कर लेते, लेकिन उनका लिखना कभी बंद नहीं हुआ। वो ऐसे बहुत सारे कविताएं जो लिख कर गए, उनका किताब अब कई सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ा जा रहा है। उनके किताब के जरिए हम लोग उनको हमेशा याद रखेंगे। उनके किताब के अंदर उनका जो पॉपुलर किताब है रस रत्नाकर, पद्मिनी, तपस्विनी, अर्घ्यथाली, अयोध्या दृश्य, अहल्यास्तव, वो बहुत सारे ऐसे किताब लिख कर गए जो आज भी अमर हैं। और भी कितने लोकप्रिय कविताएं वो लिख कर गए, जैसे भरोसा और कुछ बहुत कुछ। उड़ीसा में बचपन में हम लोग उनका एक कविता खुद पढ़कर आए थे, वो बहुत लोकप्रिय है उड़ीसा में। रहो अरे काठुरिया न पका वाणी, सुना कान डेरी थरे ए गछ कहानी। ये उड़ीसा में छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, ये बहुत पॉपुलर है। गंगाधर मेहर नौकरी करते वक्त उनका पहली पत्नी का देहांत हो गया, और बाद में वो दूसरी शादी कर लिए, और कुछ दिन के बाद उनका बड़ा बेटा अर्जुन मेहर, उनका भी देहांत हो गया। उनको छोड़कर और उनका 3 बच्चे लोग बासुगत मेहर, लक्ष्मी मेहर और भगवान मेहर, वो बहुत अच्छे इंसान थे। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर
उड़ीसा में एक लोकप्रिय पोएम राइटर है। 1926 अप्रैल 14 तारीख को उनका देहांत हो गया। वो महान आत्मा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो जो कविता लिखकर गए उनके माध्यम से वो हमेशा हमारे अंदर अमर रहेंगे। हम आशा करते हैं सबको गंगाधर मेहर के बारे में आप लोग हमेशा उनको याद रखेंगे और आप लोग, मेरा निवेदन है मेरा चैनल को एक सब्सक्राइबर और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर एक जरूर करना, तभी तो हम नया नया वीडियो कुछ ला पाएंगे। आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले नया वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।